अजय, चल नाश्ता तैयार है, ये ले। माँ मुझे देर हो रही है, पहले मेरा सर्टिफिकेट निकाल दे। पहले तू नाश्ता तो कर ले, निकाल देती हूँ। क्या हुआ, मिला? नहीं मिला, उसे ही ढूंढ रही हूँ। बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, कहाँ था ये? जो चीज ट्रंक में रखी है उसे तू अलमारी में ढूंढ रही है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मिला? ढूंढ रही हूं ना, सर पे क्यों आके खड़ा हो गया? यही तो रखा था रात में, पता नहीं कहां चला गया। तो रातों रात इसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? ये माँ बेटे क्या खाने पीने की बातें कर रहे हैं? मैं तो आज कुछ खाने वाली नहीं, मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। और तुम तो जानती हो बहन, सुहाग ने जब तक चंद्रमा नहीं देख लेती खाना क्या एक बूंद पानी तक नहीं पीती। मैं बाजार जा रही हूँ पूजा का सामान लेने, मेरी नौकरानी आए तो चाबी दे देना। आशीर्वाद दे अपने बेटे को। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर। खुशी तो बात है माँ, तेरे होनार बेटे के साथ तेरा ये नटखट बेटा भी पास हो गया। चल फटाफट फटाफट मुंह मीठा कर ले। नहीं बेटे रहने दे, मैं बाद में खा ले। ये मिठाई तो तुझे खानी पड़ेगी बस। मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। और तुम तो जानती हो बहन, सुहाग ने जब तक चंद्रमा नहीं देख लेती खाना क्या एक बूंद पानी तक नहीं पीती। मैं खा लूंगी बेटा, बाद में खा लूंगी, तू थोड़ी सी तो खा ले। थोड़ी सी समझता क्यों नहीं? प्यार से खिला रहा है और तू इनकार कर रही है, खा ले। मैंने कहा ना मेरा मन ठीक नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। क्या कर रहा है? मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। खामखा सिद्ध कर रहा है। तू भी अजीब आदमी है, जब वो मना कर रही है तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? चल अब मूड मत खराब कर, चल बाहर चल के सेलिब्रेट करते। चल अब क्या हुआ? माँ मैं राज के साथ बाहर जा रहा हूँ, रात को देर से लौटूंगा, खाने पर मेरा इंतजार मत करना। अबे चलना यार। पागल हो गया तू, क्या क्या कर रहा है? मैं देख रहा था कि लहरों में टकराने की ताकत ज्यादा होती है या चट्टानों में बर्दाश्त की। क्या हुआ तुझे, प्रॉब्लम क्या है तेरी? कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तो फिर इतनी शराब पीने की वजह क्या है? आंसू पीने से अच्छा है आदमी शराब पी ले। अजय तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, बोल क्या बात है?
कुछ नहीं यार, सब ठीक है। यार भी कहता है और अपने गम में शरीक भी नहीं करता, तुझे हमारी दोस्ती कसम बोल क्या बात है। बुरा मत मानना यार, कुछ बातें दोस्ती के दायरे के बाहर होती है। ठीक है, लेकिन तू मेरे दिल के दायरे के बाहर नहीं। चल घर चल। नहीं, एक लगा के दूंगा। चल अब चल राज, मुझे चल मेरे हाल पे छोड़ दो। संभाल के आहिस्ते। अजय अजय संभाल के आराम से। अच्छा तो पी के आया है वो? मां पासों ने खुशी में पार्टी दी थी, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी इसे, थोड़ी सी चढ़ गई है मां, मगर प्लीज इसे डांटना मत, गलती तो मेरी थी, खामखा में से ले गया वहां। गलती तेरी नहीं है बेटे, खोट तो मेरी परवरिश में रह गई, वरना मैं तो इसी भरम में जी रही थी कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इसके कदम नहीं टकमगाएंगे। अजय, अगर आंधिया मुझसे टकराई होती ना तो मैं नहीं टकमगाता। क्या करूं, चोट दिल पर लगी थी और दर्द का सैलाब रगों में उमड़ रहा था, कोई सहारा तो चाहिए था ना मुझे। तो नशे का ये बांध उसे कब तक रोक पाएगा? उगल दे उस सैलाब को जो तेरे होंठों तक आकर लौट जाता है। रहने दे मां, वरना शब्दों की तलवार रिश्तों की वो डोर काट देगी जिससे हम दोनों बंधे हैं। ये क्या बकवास कर रहा है, होश में आ जाए, जानता है तो किससे बात कर रहा है? उस औरत से राज, जिसे देवी कहते हुए कभी मेरी जुबान नहीं लड़खड़ाई, जिसकी ममता का अचल 25 साल जिंदगी के हर मौसम में मेरी हिफाजत करता रहा, लेकिन आज आज वही आंचल इस बेटे के सर से हटकर किसी गैर मर्द को छुपाने के लिए पर्दा बन गया। कौन है वो जिसने मेरी मां के गले से ममता का जेवर उतारकर अपने नाम का मंगलसूत्र पहना दिया? कौन है वो जिसकी लंबी उम्र के लिए मेरी मां करवा चौथ का व्रत रखती है? कौन है वो जो मेरी मां के दिल में मोहब्बत बनकर और मेरे दिल में नफरत बनकर पनप रहा है? बोल मां, बोल, जवाब दे। अगर तुझे एक औरत के चरित्र और मां की मर्यादा का खून ही करना था तो फिर ये सफेद साड़ी पहनकर विधवा होने का नाटक किस लिए? बोल, कौन है वो जो तेरी कोख को डस रहा है? किसके पाप की निशानी हूं मैं? इस हरामी के पाप का नाम क्या है? बोल, क्या नाम है इस हरामी के पाप का? बोल, क्या नाम है के पाप? तमीज, बदबू, हैरत, इतनी बर्बाद कहने की हिम्मत कैसे की तूने? बता कैसे की हिम्मत? तू बीच में मत आ। मत। यहाँ जितनी घिनौनी बात कही। तेरी तो कैसी बातें कर रहा है? क्या कर रही है तू? होश में लिए तू तो होश में आ। मुझे तो शर्म आती है अपनी कोख पर जिसने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। लोग झोपड़े में रहते हैं ना, उसे भी बुरा नहीं कहते। अरे तू तो 9 महीने इस कोख में रहा है रे, तो फिर इसे गाली देने की हिम्मत कैसे की तूने? अपनी माँ के सीने पे शब्दों की बर्चियां चलाते वक्त क्या क्या एक बार भी तुझे ख्याल नहीं आया कि इसी छाती का दूध पी के बड़ा हुआ है तू? तू क्या सिखाएगा मुझे औरत का चरित्र और माँ का कर्तव्य? अरे मैंने तो एक वचन के लिए अपनी सारी जिंदगी बनवास की तरह काट दी। तू जानना चाहता है ना कि मैं ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहनती हूँ, किसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ? तो सुन, वो कोई और नहीं, वो तेरे पिता हैं। आज तक मैंने तुझसे ये सच्चाई सिर्फ इसलिए छुपा के रखी क्योंकि तेरे पिताजी ने मुझे कसम दी थी कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पे मैं तुझे नहीं बताऊंगी कि ना तू अनाथ है ना मैं विधवा। लेकिन आज तेरे इल्जामों के बारूद से कसम की वो दीवार टूट गई